तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही कमाल की सेटिंग बताने वाला हूँ, या फिर बोल सकते हैं बहुत ही ज्यादा लोग मुझे बोल रहे थे उस चीज के बारे में बताने वाला हूँ। आज मैं सैमसंग A52s के कैमरे का रिव्यू करके बताने आप या फिर बोल सकते हैं कैमरे की आपकी सेटिंग्स बताने वाला हूँ, जिससे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी में कमाल की फोटोज ले पाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बता रहा हूँ A52s के कमाल के कैमरा के सेटिंग्स बताने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको यहाँ जाने वाला है कैमरे पे। कैमरे पे जाने के बाद आपको यहाँ पर ऐसा कुछ इंटरफेस मिलता है, आप देखेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पर ऐसा मिलेगा। तो यहाँ पर आपको जाना है सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाने के बाद सबसे ऊपर मिलेगा आपको स्क्रीन ऑप्टिमाइज मेजर, आपको इसको ऑन कर देना है। इससे क्या होगा, ऑटोमेटिक आपके एडजस्ट कर लेगा कैमरे की जो भी आपका लोकेशन है उसके ऐसे कलर को और जो भी उसका डार्कनेस है उसको ऑटोमेटिकली अब्जॉर्व कर लेगा। तो आपको इसको ऑन कर लेना है। इसके बाद नीचे आता है स्कैन डॉक्यूमेंट्स एंड टेक्स्ट। इससे क्या होता है कि अगर आपने यहाँ पर अपने मोबाइल से या कैमरे से कुछ डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर रहे हो या कुछ टेक्स्ट को स्कैन कर रहे हो तो आप इसको स्कैन कर सकते हैं, क्यूआर कोड्स के लिए इनेबल कर सकते हैं। और सबसे कमाल का जो फोटोज के लिए काम आता है वो ये है शॉर्ट सजेशन। ये आपको सजेशन करता है कि आप इस एंगल में फोटो खींचो, आप ज्यादा अच्छी यहां पर फोटोज क्लिक कर पाएंगे। उसके बाद आपको नीचे मिलेगा स्वाइप शटर बटन टू ऑप्शन। यहाँ पर क्या रहेगा कि आप कैसे बटन से आप क्या कर सकते हैं, शटर बटन से ब्रश फोटोज लेनी है या कि क्रिएट GF5 लेना है, तो इसको ऑन कर लेना है। यहाँ पर आपके पास सबसे नीचे मिलेगा इसके बाद वाटरमार्क वाला ऑप्शन। तो वाटरमार्क वाला ऑप्शन, अगर अपना वाटरमार्क लेना चाहते हैं तो आप इसको ऑन कर दो, नहीं तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं। अब बात करें इसको यूज करने की, अपन कैसे यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे आपको मोड्स मिलते हैं, जैसा कि अगर आप पास से कोई फोटो लेंगे तो उसके लिए मैक्रो मोड ऑटोमेटिक सजेशन कर देगा, तो जूम करके फोटो खींच लेगा, दूर से खींचेंगे तो ये ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। मैं आपको एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके बताने वाला हूँ। लाइक ये मेरा एक छोटी सी कार है, अगर मैं इसकी दूर से फोटो खींचता हूँ, अभी लाइटिंग है, नाइट का टाइम है, मैं फोटो ले रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं कि सजेशन दे रहा है कि आप इस मोड पे खींचो। मान लो मैं इधर फोटो खींचता हूँ इस मोड पे ऐसा करके, और ये फोटो यहाँ पर क्लिक हो गई है, तो आप देखेंगे ये फोटो यहाँ पर क्लिक हो चुकी है और कुछ इस तरह की फोटोज आई है सजेशन में। और अगर आप इसको थोड़ा सा अगर पास आके लेंगे तो वो आपको बोलेगा मैक्रो मोड के लिए। आप देखेंगे जैसे कि थोड़ा सा पास आ जाऊँ तो आपको मैक्रो मोड का सजेशन देने लग जाएगा, जैसा कि दिख रहा होगा। यूज मैक्रो मोड करेंगे तो फोटो की क्वालिटी आप देखेंगे ऊपर तक आ गई है और वो उसके अंदर पूरी की तरह से हाईलाइट होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो ये इस तरीके से आप इसमें मैक्रो और उसमें मोड्स में फोटोज खींच सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर 0.5 और 0.2 का बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आपको जूम एक्स दिया हुआ है और यहाँ पर आप 10x तक जूम कर सकते हैं। यहाँ पर आएंगे फन मोड्स में जाएंगे तो फन मोड्स ये हुए हैं। फन मोड्स में बाय डिफॉल्ट जो भी आपको थीम्स लेना हो या फिर जो भी आपको इफेक्ट्स लेना हो तो ले सकते हैं, ये कोई काम का नहीं है ज़्यादा। अपन बात करेंगे मेन फोटोज पे, तो पोर्ट्रेट्स की फोटो लेने के लिए अगर आप पोर्ट्रेट पर जाएंगे तो पोर्ट्रेट पर आप फोटो क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको बाय डिफॉल्ट वो उसी टाइम आपको सजेस्ट करके बता देगा कि इस तरह का वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। जैसे कि मान लो इधर अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, इसका मार्जिन को इफेक्ट्स भी कम कर सकता हूँ और मैं अगर आप फोटो खींचूंगा तो वो पूरी बस सब्जेक्ट को ही हाईलाइट करेगा। आप देखेंगे अब यहाँ पर सब्जेक्ट को ही हाईलाइट करेगा, बाकी सब ब्लर हो जाएगा, अभी आपको दिख नहीं रहा होगा ज़्यादा क्योंकि वाइट बैकग्राउंड ही है। इसके अलावा यहाँ पर आपको इफेक्ट्स मिल जाएंगे। उसके बाद फोटोज में आएंगे तो यहाँ पर फोटोज क्लिक कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। फोटोज क्लिक करने के लिए यहाँ पर अगर आपको सेट यहाँ पर जाना है, अगर नाइट पे फोटो लेना है तो यहाँ पर ऑटो ले सकते हैं कि ऑटो उसमें लाइट चालू हो जाए, फ्लैश लाइट। उसके बगल में आएंगे टाइमर लगाना हो तो टाइमर लगा सकते हैं। यहाँ पर कौन से रेशो में आपको लेना है तो सबसे बेस्ट रेटो है 3.4, इसमें सही फोटोज आती हैं, बाकी आप अलग से अपना अपना रेशो ले सकते हैं जैसा भी आपको सही सूट करे। यहाँ पर आएंगे कितने मेगापिक्सल के आप ले सकते हैं, 64 में लेंगे तो ज़्यादा मेमोरी की फोटो आएगी और अच्छी क्वालिटी में आएगी, और यहाँ पर 16 में तो थोड़ी सी क्वालिटी वैसी होगी पर फोटोज इसमें भी अच्छी आती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिलेगा मोशन ऑन फोटोज, मतलब कि अगर कोई फोटो अगर आप क्लिक करते हैं, सपोज करो मैं इस फोटो को यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने हिला जुला के थोड़ी सी फोटो यहाँ पर क्लिक कर ली है ना। मोशन फोटो मतलब कि लाइव फोटो, जैसे आपको आईफोन में मिलती है ना एप्पल में लाइव फोटो, तो वो होती है मोशन। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है फोटोज के अंदर व्यू मोशन फोटोज का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि आप नॉर्मली वो व्यू मोशन पे आप कर सकते हैं, इसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं वीडियोस में कहीं भी। इसके अलावा यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है फिल्टर्स के, तो आप यहाँ पर फिल्टर लगाना चाहे तो बहुत सारे फिल्टर्स दिए हैं, जो भी फिल्टर्स आप लगाना चाहे डायरेक्टली फिल्टर लगा के भी फोटोज क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे बेस्ट फीचर लगता है मुझे इसके अंदर वो है सिंगल टेक। ये क्या करेगा, आपका एक 10 सेकंड का पूरा वीडियो लेगा या फिर देख सकते हैं कैसे, मान लो
ये मेरी कार है, ये कार मेरी यहाँ से नीचे आएगी, ठीक है, ये यहाँ से नीचे आ रही है, ऊपर भी जा रही है, ये आवाज़ भी आ रही है, 10 सेकंड की एक रिकॉर्डिंग हो रही है, आप देख सकते हैं एक 10 सेकंड की पूरी तरीके से एक रिकॉर्डिंग कर रहा है। अब 10 सेकंड की रिकॉर्डिंग करने के बाद अगर आप अब जाएंगे यहाँ पर, अब अपने गैलरी में जाएंगे तो अब ये देखेंगे आप, इसके अंदर इसके फोटोज भी क्लिक हो गए होंगे बाय डिफॉल्ट, वीडियोज भी आ गए होंगे, अच्छा पोर्ट्रेट भी आ गया होगा, स्लोमो भी ऑटोमेटिक आ गया होगा, आप देख सकते हैं बुमरो आ गया एक यहाँ पर, आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको एक बुमरंग क्लिप मिल जाएगी, उसके अलावा फास्ट फॉरवर्ड क्लिप मिल जाएगी एक, उसके अलावा ओरिजिनल वीडियो मिल रही है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको फोटोज भी मिल जाएंगे, बेस्ट पोर्ट्रेट फोटोज, ये ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है, थोड़ा टाइम लेता है फोटोज क्लिक होने के बाद, पर ऑटोमेटिक वो उसमें क्लिक कर लेता है। तो सबसे अच्छा मुझे लगता है सिंगल टेक। उसके बाद आएंगे वीडियोस, नॉर्मल अगर आपको वीडियोस लेना है तो 30 तक फ्रेम तक के आप यहाँ पर फुल HD में फोटोज ले सकते हैं या वीडियोस बना सकते हैं। यहाँ पर आप जाएंगे तो स्पोर्ट्स मोड में अगर वीडियो लेनी हो तो आप यहाँ पर सकते हैं कि थोड़ा बहुत हिल भी रहा है तो ऑटोमेटिक उसको एडजस्ट कर लेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको और मोड्स मिलते हैं, जैसे कि प्रो मोड में जाएंगे प्रो में, तो आप यहाँ पर अपना iOS को भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं कि कितने iOS पे आपको फोटो क्लिक करना है, स्पीड सेलेक्ट कर सकते हैं, EV को मेंटेन कर सकते हैं कि कितने EV पे फोकस मेंटेन कर सकते हैं, मैनुअल फोकस लेना है कैसा फोकस लेना है। उसके अलावा यहाँ पर आप पूरी अच्छी तरह, अगर आपको पता है कि पोर्ट्रेट में कैसे फोटोज ले सकती है, सॉरी प्रो मोड में कैसे, अगर आपको पता है तो आप पूरी सेटिंग करके यहाँ पर प्रो मोड पे भी अच्छी खासी फोटोज को ले सकते हैं। उसके बाद जाएंगे यहाँ पर प्रो मोड के बाद प्रो वीडियो को मोड दिया हुआ है, तो सेम ऐसे ही आप प्रो वीडियो मोड पे भी ले सकते हैं कि उसका भी एडजस्ट कर सकते हैं पूरा कैमरा सेटिंग्स। उसके अलावा यहाँ पर आपको मिलेगी जो बेस्ट है नाइट्स, अगर नाइट पे अगर आप फोटो लेते हैं तो आप नाइट मोड पे लेंगे तो वो फोटो काफ़ी अच्छी आएगी, थोड़ा सा टाइम टेकिंग लेती है ये फोटो, मान लो अगर कोई नाइट पे अगर आप फोटो ले रहे हो तो उसको क्लिक करेंगे तो वो थोड़ा सा स्टिल होने के बाद क्लिक होती है और उसकी फोटो अच्छी हो जाती है। उसके बाद फूड्स की फोटो लेंगे, फूड पैनोरामा मैक्रो, जो कि मैक्रो मोड मैंने आपको बता ही दिया, सुपर स्लो मोड, स्लोमो मोड और हाइपरलिंक। अब सुपर स्लो मोड में अगर आप फोटोज लेंगे या वीडियोस लेंगे, सॉरी सुपर स्लो मोड में वीडियो लेंगे, तो ये मेरी कार आ रही है, आप देखेंगे सुपर स्लो मोड पे, ये ऑटोमेटिक कुछ टाइम होता है इफेक्ट, उतना ही टाइम पे चलेगी, उसके बाद वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। तो आप देखेंगे ये वीडियो यहाँ पर आ चुकी है सुपर स्लो, इस तरीके से ये वीडियो बनी। तो वीडियो वाला काम तो अभी मैं आपको बता ही नहीं रहा, मेन चीज अपन बात करें फोटोज की, तो फोटोज बेस्ट आप ले सकते हैं सिंगल टेक में और यहां पर पोर्ट्रेट और फोटोज में, जो कि मैंने आपको सेटिंग्स बताई दी हैं, इसी सेटिंग्स के थ्रू अगर आप फोटोज लेंगे तो काफी अच्छी यहां पर फोटोज आ सकती हैं, आएंगी, और मैंने इससे लिए भी हूं। मैं आपको कुछ फोटोज अपनी बता देता हूं, तो ये आप फोटोज देख सकते हैं, इसी मोबाइल की फोटो क्लिक हुई हुई है और ये सेल्फी फोटो है, आप देख सकते हैं कितनी शानदार यहां पर फोटो, तो आप देख रहे होंगे ये कुछ मैं आपको फोटोज के बता रहा हूँ जो कि मैंने अपने इसी मोबाइल से फोटोज क्लिक करी हुई हैं, ये देख रहे होंगे आप, इसी से क्लिक हुई हुई फोटोज हैं, तो ये देख रहे होंगे आप, ये भी फोटोज जो हैं मैंने सिंगल टेक करके खींची हुई है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर सिंगल टेक का आपको दिख भी रहा होगा, तो उसमें इफेक्ट्स भी है, वीडियोज भी हैं, क्रॉप फोटोज भी हैं और फिल्टर फोटोज भी है, सब ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गई है। इसमें अगर जितनी बार आप सिंगल टैग से फोटोज़ क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिक उसको वहाँ पर एडजस्ट कर लेगा, तो सबसे बेस्ट लगता है मुझे सिंगल टैग वाला। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पोर्ट्रेट की फ़ोटो है और ये भी शानदार फोटोज़ आपको मिल जा रही है, ये नाइट की फ़ोटोज़ है, सेम सेटिंग में मैंने फ़ोटो खींची है जो कि आपको बता रहा हूँ, और आप फोटोज़ देख सकते हैं कितनी यहाँ पर शानदार आई है। थोड़ा सा मेरी हालत बहुत बेकार है, बाकी फ़ोटोज़ तो अच्छी आई हैं यहाँ पर। तो ये कुछ कैमरे की सेटिंग्स थी जिसको अप्लाई करके आप अच्छी अच्छी फोटोज ले सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप कुछ लेना के सेटिंग्स करेंगे, अगर आपको प्रो मोड्स की सेटिंग्स आती है तो बहुत तकलीफ वाई होती है, पर मेरे हिसाब से आप ऐसी फोटोज करके लेंगे तो ज़्यादा फोटोज आपकी अच्छी आई जाएंगी इसी सेटिंग में। इसमें एक सेटिंग आप और अच्छी कर लो जिससे आपकी मेमोरी कम खाएगी, तो उसके लिए सेटिंग्स में जाओ, सेटिंग में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है हाई इफिशियंसी पिक्चर्स, आपको इसको ऑन कर दो। इससे क्या होगा, जो फोटो जो सेव होंगी वो .HEIF में सेव होगी, जिससे कम स्पेस खाएगी, फोटो की क्वालिटी उतनी रहेगी, फोटो की क्वालिटी भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, बट वो कंप्रेस होकर सेव होगी तो आपकी स्टोरेज कम खाएगी। तो यही था कैमरे की सेटिंग जो कि मैंने आपको बताई, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू सो मच।
दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर डीएम करके भी पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक भी फॉलो कर लेना। और इसके अलावा मैंने व्हाट्सएप पर भी चैनल बना रखा है जिसपे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच।